देख रहे हैं न्यूज़ न्यूज़ आज अकबरपुर नगर पंचायत दोस्तात की तस्वीर दिखा रहा है जो इस वक्त हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये काफिला देख रहे हैं, ये मंजर देख रहे हैं, ये प्रखंड सह अंचल रोहतास कार्यालय है और इस कार्यालय में ये सारे लोग, ये हुजूम, ये भीड़ भाव, दरअसल सारे लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिंदर साहब का इंतजार लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये सारे लोग, आइए मैं चलता हूँ कैंपस के अंदर, हॉल के अंदर जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। ये आप बैनर देख रहे हैं, इस बैनर पर लिखा हुआ जन संवाद कार्यक्रम जिसकी अध्यक्षता धर्मेंद्र कुमार साहब कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये तालियां बजाकर इस तरह से लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है जिस कार्यक्रम का नाम जन संवाद कार्यक्रम है। ये जो हसी नजारा देख रहे हैं इस वक्त न्याजी न्यूज पर देख रहे हैं आप, जन संवाद कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आम जनों के साथ जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। 20 से ज्यादा विभाग के अधिकारी ने इस जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस जन संवाद कार्यक्रम में अकबरपुर से अठौरा तक का रोड और हमारे अकबरपुर से चौरासन शिव मंदिर का रोपवे निर्माण के कार्य के बारे में, जन प्रणाली की बातें, जल नल योजनाओं पर बातें और हमारे बिहार सरकार में जो भी योजनाएं चल रही हैं या आने वाली हैं उसके बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार साहब ने लोगों को जानकारी दी। जानकारी देने का तरीका, सारे विभाग के अधिकारी खुद आकर ये सारे योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे थे। आइए सुनते हैं कुमार धर्मेंद्र साहब की बातों को जो इस वक्त लोगों से खिताब कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं और लोगों से सुझाव ले रहे हैं। देखिए इस खबर को न्याजी न्यूज पर। बात आज हम लोग रोहतास से कर रहे हैं और उसी में आज हम एसपी साहब, एडीएम साहब, डीडीसी साहब सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो शुरुआत में तो ये बात जानना आप लोगों के लिए आवश्यक होगा कि आखिर ये जो है जनसंवाद कार्यक्रम है क्या और बेसिकली इसके पीछे सरकार की सोच क्या है, मंशा क्या है। तो इसके लिए सामान्य जो हम लोग का जीएबी डिपार्टमेंट होता है, जीएबी डिपार्टमेंट का एक लेटर निकला है और उसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स की जानकारी हम लोग को जो है ब्लॉक वाइज देनी है और ऐसी बैठकें जो है ब्लॉक में जिला पदाधिकारी के द्वारा दो बैठकें होंगी, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा फिर एक बैठक होगी और फिर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और अंचल अधिकारी के द्वारा भी दो बैठकें होंगी। तो जैसे रोहतास ब्लॉक है तो रोहतास ब्लॉक में जो है ऐसी 5 बैठकें होंगी, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे थे और उसमें हम लोग को सरकारी स्कीम्स की जानकारी तो देनी ही है। हम लोग को मेनली जो है लोगों का फीडबैक लेना है उसमें कि आप लोग बताइए कि ये जो स्कीम आपके लिए सरकार के द्वारा संचालित हो रही है उसमें आपकी क्या राय है, क्या आप लोग का कोई जो है विशेष मांग है इस एरिया के लिए कि ये काम होना चाहिए या फिर कोई स्कीम चल रहा है उसमें कोई फीडबैक है। तो बहुत सी समस्याएं आपकी जो है ब्लॉक स्तर पर सुधर सकती है, बहुत सी समस्याएं जिला स्तर पर जो है निदान हो सकता है, आप लोग के द्वारा ऐसी भी कुछ कुछ समस्याएं रखी जा सकती है जो कि हम लोग के स्तर से जो है उसका हल नहीं हो सकता है। तो राज्य के स्तर पर भी हम लोग इन बातों को रखेंगे। आप लोग से एक ही आग्रह होगा कि जो है व्यक्तिगत ग्रीवांस को न उठा करके यदि कोई स्कीम से संबंधित ग्रीवांस है तो उसको उठाएगा। जी, जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, मेरे सर्वप्रथम एक प्रस्ताव है सर कि हमारे रोहतास प्रखंड के अंदर कुछ विद्यालय मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय किया गया सर और उच्च विद्यालय से इंटर स्तरीय कर दिया गया, लेकिन उस विद्यालय में सर हाई स्कूल के ना शिक्षक रहते हैं
और न इंटरमीडिएट के शिक्षक उसमें फर्क है। जो दो राज्यों को जोड़ती है, अकबरपुर से अधौरा का भी जिक्र हुआ, सच में सड़क अच्छा बन रहा है और हम पहाड़ के निवासी हम रोज आते जाते हैं और ठेकेदार महोदय के द्वारा बहुत अच्छा तरीके से तभी तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन एक रोहतास पथ पर जो रोपवे का काम चल रहा है, आज साल भर से वो ठेकेदार काम लगाए हैं लेकिन दो लेवल से ज्यादा नहीं लगाते हैं, दो लेवल लगा देते हैं, कछुआ के चाल से चल रहा है और साल भर से उनका कोई काम यहाँ दिख नहीं रहा। चाहिए सर, आप खुद मेरे साथ चल के देख लीजिए, मेरा गाँव घनसा है, मेरे गाँव में एक सांसद महोदय के द्वारा पानी का टंकी लगाया गया वो चलता है, लेकिन बगल में खरवारी टोला है उनके वहाँ दो लगाए गए हैं लेकिन जब से लगाया गया है तब से बंद है, चलता ही नहीं है। एक सुझाव के रूप में ही इसे लीजिएगा, पेयजल आपूर्ति हेतु राम रसूलपुर में से 2020 में एक जल मीनार, अतिरिक्त जल मीनार खड़ा किया गया है, वो अब तक बिल्कुल बंद है, एक बार भी स्टार्ट नहीं हुआ है और उसके पानी पर हमें बेहद जनप्रतिनिधि उस दूरी को कम करते हुए विकास की गति को तेज रफ्तार से बढ़ाइए और हम लोग आजादी के इस अमृत महोत्सव में भी इस रोहतास प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, हम चाहेंगे क्योंकि इसी में हमने बोला कि रोहतास जिला लोग आपसे प्यार करते हैं, अब क्यों प्यार करते हैं वो आप भी जानते हैं। पूनम कुमारी, आप आ गए, आप आ गए, इधर देखिए माता जी, ठीक ऋषि देवी आइए, ऋषि देवी जो कांड मिल गया योजना के तहत बकरी सेठ के चरित्र लाभुक श्रीमती चांदनी देवी सभी जगहों पे हो रहा है और आज हमारे यहाँ 1900 ब्लॉकों में जो है वीडियो सीओ के द्वारा, कहीं कहीं पर अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा और आज रोहतास ब्लॉक में मेरे द्वारा संपन्न हुआ है। इसमें जो है मूलतः हम लोग जितनी सरकारी स्कीमें चल रही हैं उसकी जानकारी हम लोग आम जो है लोग हैं उनको दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके जो है सुझाव ले रहे हैं, सुझावों में वैसे सुझाव जिनका निपटान हम लोग के स्तर से संभव है उसको हम लोग अपने स्तर से देख रहे हैं और जो सुझाव का निपटान हमारे स्तर से संभव नहीं है उसके लिए राज्य सरकार तक वो सुझाव भेजे जाएंगे और वहां से उनका निदान किया जाएगा। अभी हम लोग का फर्स्ट बैठक जो है हो गया है, ऐसे ही हर एक ब्लॉक में हमारी दो दो बैठकें होंगी और अगले 45 डेज के बीच में हम लोग जिले के हर एक जगह पर जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।